अब आपको बताते हैं कि भारतीय वायुसेना के वो लड़ाकू विमान जो भारतीय सेना की ताकत हैं, सुखोई MKI-30। यह फाइटर जेट अमेरिका के बेस्ट एफ सीरीज फाइटर जेट्स की टक्कर का है। इस फाइटर जेट में अलग अलग तरह के बम तथा प्रक्षेपास्त्र ले जाने के लिए 12 स्थान हैं। यह फाइटर जेट हवा में ईंधन भर सकता है। इसमें 3000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने की क्षमता है। बोइंग C-17 भारतीय वायुसेना का पहला भारी सैन्य साजो सामान ले जाने वाला विमान है। यह विमान 70 टन का माल लेकर उड़ान भर सकता है। इसी विमान में वायुसेना यमन में फंसे लोगों को भारत लाई थी। तेजस। तेजस वायुसेना के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में से एक है। ये विमान 1850 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। यह विमान समंद्र के ऊपर राजस्थान के रेगिस्तान में, कश्मीर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय इलाकों में भारत के सामने आने वाली हर चुनौती का माकूल जवाब देने की ताकत रखता है। MiG-29। यह विमान 65,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। 2400 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाला यह लड़ाकू विमान एक बार में 1450 किलोमीटर की दूरी तक जाकर हमला कर सकता है। इसे भारतीय वायुसेना के हाईटेक सुपरसोनिक विमानों में से एक माना जाता है। सैपेकेट जगुआर। यह विमान 36,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यह विमान 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से उड़ सकता है और 925 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मनों का नाश कर सकता है। C-17 ग्लोब मास्टर। ग्लोब मास्टर कारगिल, लद्दाख और अन्य उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर आसानी से उतर सकता है। ग्लोब मास्टर सामान्य स्थिति में 3500 फीट की हवाई पट्टी पर लैंड कर सकता है। C-17 ग्लोब मास्टर 150 से अधिक जवानों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। साथ ही ये एक साथ 3 हेलीकॉप्टरों या 2 ट्रकों को एयरलिफ्ट करने की ताकत भी रखता है। रफेल सिर्फ एक मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। वहीं इसकी मारक क्षमता करीब 3700 किलोमीटर है। यह 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। रफेल लड़ाकू विमानों की सबसे खास बात यह है कि इसमें नए दौर की दृश्य से ओझल होने में सक्षम मीटियर मिसाइल और इजरायली प्रणाली भी है। अपाचे। अमेरिका से भारत को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर बेचने की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही भारत की ताकत इसके शामिल होने से बढ़ जाएगी। अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियतें साबित करती हैं कि भारतीय सेना के लिए यह कितना ज़रूरी है। इसकी अधिकतम रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे रडार से पकड़ना बेहद मुश्किल है। इसमें 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता है। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। नाइट विजन सिस्टम की मदद से रात में भी दुश्मनों की टोह लेने, हवा से ज़मीन पर मार करने वाले रॉकेट दागने और मिसाइल आदि ढोने में सक्षम है। अपाचे दुनिया के उन चुनिंदा हेलीकॉप्टर्स में शामिल है जो किसी भी मौसम या किसी भी स्थिति में दुश्मन पर हमला कर सकता है।